Assalamu alaikum ji. Today we will be talking about the third person in the list of reformers jo ke hamare syllabus mein maujood hai. He is Sayyid Ahmad Shahid. इन पे सवाल जो है वो मुजाहिदीन मूवमेंट के नाम से आता है. या जिहाद मूवमेंट. सो ही वॉज अ पर्सन हु लिव्ड फ्रॉम 1786 टू 1831. और जो इनका मेजर जो जो इनकी कंट्रीब्यूशन है वो इन्होंने जिहाद वेज किया अगेंस्ट द सिख एम्पायर. और उसकी वजह क्या थी? टू एस्टैब्लिश मुस्लिम और शरिया स्टेट. हिज पर्पज वाज कि हमने सब कॉन्टिनेंट में एक शरिया स्टेट कायम करनी है. और उसका पहला स्टेप इन्होंने ये लिया कि इन्होंने सिख एम्पायर के खिलाफ जिहाद शुरू किया. इनका मानना था कि दीन के अंदर जो है जो मौजूदा हमारे जाब्ते हैं उनको देखते हुए बहुत सारा जो है वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमारे सोसाइटी में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारी इंडिविजुअल लाइफ्स में. और उसके लिए ज़रूरी है कि पावर हो. जब तक पावर नहीं होगी तो आप जो है वो एक सिस्टम को राइज नहीं कर सकते. तो उस वक्त जो मुस्लिम रूल था, आप कह लें कि इट वाज जस्ट के इट वाज लिमिटेड टू दिल्ली. और बाकी अगर आप साउथ की जानब देखते हैं तो इधर सारे का सारा जो था वो ब्रिटिश एम्पायर कायम हो चुकी थी. और नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से जो हैं और कश्मीर वगैरह पे यहाँ पे सिख थे, यहाँ पे मराठा एम्पायर भी थी और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो थे वो कायम हो चुके थे सिस्टम्स. तो इन्होंने देखा कि मुसलमानों का जो ये जो बराए नाम हुकूमत है इसकी कोई इतनी पावर नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा, वो भी एक इस्लामिक स्टेट नहीं है ऑब्वियसली, तो हमने एक इस्लामिक स्टेट कायम करनी है. तो ही वो देयर वाज मेनी ऑप्शन कि आप ब्रिटिश के साथ के खिलाफ खड़े हो जाएं. तो इनको लगा कि यार मुझे सबसे पहले जो है ना वो ब्रिटिश एम्पायर की बजाय सिख एम्पायर के साथ जो है वो जिहाद करना होगा. वहां से मुझे अपनी जो ये मुजाहिदीन मूवमेंट है, जिहाद मूवमेंट है, शरिया स्टेट मूवमेंट है, इसको वहां से लॉन्च करना होगा. क्योंकि उनकी जो ये जो एरियाज हैं NWFP है, कश्मीर है, ये प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम एरियाज हैं. और मुस्लिम एरियाज होने के बाद होने की वजह से ये जो एरियाज हैं ये एक तो मुस्लिम पॉपुलेशन है और यहाँ के लोग जो हैं वो वॉरियर तबीयत के हैं. और साथ में फिर आपको अफगानिस्तान फैक्टर भी जेहन में रखा कि जो नेबरिंग मुस्लिम स्टेट है अफगानिस्तान है, वहाँ से भी हमें जो है वो कुछ ना कुछ हेल्प जो है जरूर मिलेगी. अब इनको ना इस ये एक इसका क्रक्स था पूरी मूवमेंट का. अब मैंने जैसे पहले कहा कि हमने कोई भी रिफॉर्मर देखना है कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, इम्पैक्ट्स क्या थे, ये देखना है. तो सबसे पहले इनका इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्यों किया, इसको समझने के लिए हम इनके बैकग्राउंड पे चलते हैं. ठीक है, इनका बैकग्राउंड बैकग्राउंड नंबर वन तो ये है कि जिस दौर में ये मौजूद हैं, जिस दौर के ये एक्टिविस्ट हैं, उस दौर में मुस्लिम रूल बराए नाम है सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड है और बाकी सारी जगहों पर मुस्लिम एम्पायर नहीं है. तो जो सोसाइटी है और जो सोसाइटी है वो इटसेल्फ जो है वो उसमें भी रिफॉर्म्स की जरूरत है जिसका आगाज शाह वली उल्लाह कर चुके हैं. तो ये उस दौर में मौजूद है और इस दौर में मौजूद है तो ये कोई बरेली में पैदा हुए थे जो यूपी में है. ठीक है, राय बरेली, इसीलिए इनको सैयद अहमद शहीद बरेलवी भी बोलते हैं. ठीक है,
तो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये मूव होते हैं दिल्ली पर एट द एज ऑफ 18 ऑलमोस्ट, ये दिल्ली आ जाते हैं और यहाँ पर आके शाह अब्दुल अजीज जो बेटे हैं शाह वलीउल्लाह के, उनकी ये शागिर्दी इख्तियार कर लेते हैं, उनके डिसिपल बन जाते हैं। और यहाँ से इनको मुजद्दद अलफ सानी को भी पढ़ते हैं और शाह वलीउल्लाह के प्रिंसिपल्स की भी तालीम हासिल करते हैं। तो एक तरह से उनके साथ इनका यहाँ पे कनेक्शन बन गया। फिर ये चले जाते हैं जी हज पर। हज पे जाते हैं तो वहां पे जाके इनकी इस्लामिक मुफक्करीन से, इस्लामिक थॉट से, इस्लामिक दुनिया से आए हुए मुबल्लिगीन से मुलाकात होती है। तो फिर इनको इनकी जो इनके बारे में खुलता है कि वी नीड टू रिफॉर्म रिलीजन, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, इस्लाम को दोबारा रिवाइव करना है, रिफॉर्मिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आके ना जी ये जिन चीजों के ऊपर काम करते हैं तो वो बेसिकली वही चीजें हैं जिनके बारे में हमें शाह वलीउल्लाह और शेख अहमद सरहिंदी ने बताया, ठीक है। मिसाल के तौर पे इन्होंने हमें बताया कि जी आपको इस्लामिक स्टेट की स्पिरिट को रिवाइव करना होगा। इन्होंने हमें बताया कि जनाब आपने शरिया के ऊपर एडहर करना है और बिदात से बचना है, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना है, वुमेन को थोड़ा स्टेटस ज्यादा देना है। तो ये सारा करने के बाद ना ही थॉट जो कि जो इनकी इनकी एफर्ट का ना सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि जी वी नीड टू एस्टेब्लिश अ शरिया स्टेट। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस्लामिक इंजेक्शन को नाफज करना है तो यू नीड टू हैव पावर, और पावर कब होगी? जब आपके पास अपनी स्टेट होगी। आप अपनी स्टेट के लिए इनके पास सारे रास्ते हैं, किसी तरफ ब्रिटिश एम्पायर मौजूद है जो कि हुकूमत कर रहे हैं, एक तरफ जो है वो मरहट्टा एम्पायर है, एक तरफ सिख एम्पायर है। अब ये शुरू करते हैं जो अपनी एफर्ट जो है वो सिख एम्पायर के खिलाफ। अब सिख एम्पायर कहाँ कहाँ पर है? ये पंजाब में है, NWFP में है और कश्मीर में है। तो ये अपना लॉन्चिंग पैड जो है वो NWFP से जो है वो शुरू करते हैं। और इनकी इस मूवमेंट में इनको जो साथ मिलता है वो शाह इस्माइल और शाह अब्दुल हई, ये दो इम्पोर्टेंट नाम है इस तहरीक के। ये दोनों जो हैं वो शेख अब्दुल अजीज, जिनके ये शाह वलीउल्लाह के जो बेटे हैं उनके रिलेटिव है, ठीक है। एक भतीजे हैं और एक जो है वो सन इन लॉ है। ये इनकी जो कह लें कि एसोसिएशन में आते हैं, ये जो जहाद मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं उसके बड़े इंपॉर्टेंट कमांडर हैं ये। तो जी ये यहाँ पर इसको प्लान करते हैं बाजाब्ता तौर पर सिखों के खिलाफ, इस रेजिस्टेंस को प्लान करते हैं। तो इसके लिए ये मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हैं। इनकी स्ट्रेटजी ये है कि जी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करें और वहां से मदद मांगे, जैसे कि सिबत गुल्ला खान पीर पगाड़ा, ठीक है। ओके, तो ये सिबगतुल्ला खान पीर पगाड़ा के पास गए, उन्होंने अपने बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे उनको इनकी मदद करने के लिए भेजा, जिनको हुर बोला जाता है, जिन्होंने बकायदा इनके साथ पार्टिसिपेट किया। इन्होंने बहुत सारी और जैसे सिंध में गए, अफगानिस्तान में गए, ये मकामी जो लोकल चीफ्स थे NWFP के, लोकल सरदार थे, खान्स थे, उनसे भी इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की, मदद मांगी। तो ये करने के बाद ना जी इन्होंने बाजाब्ता जो है मुहिम शुरू कर दी और मुहिम में इन्होंने जो है वो उनके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिए, सिखों के ऊपर। तो सिखों के ऊपर जब इन्होंने अटैक किए तो सबसे पहले इनकी जो बैटल है जो खोड़ा खटक, यहाँ पर इन्होंने डिफीट किया सिखों को, दैट इज अराउंड 1826। फिर
हजरों के पास भी इन्होंने 1826 में जो सिखों को डिफीट किया, सिख आर्मी को, या और काफी इलाके पे जो है इन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया, और वहां पे बाजाबता तौर पे फिर इन्होंने सिख स्टेट, शरिया स्टेट जो है वो कायम भी की, और इसके लिए इनको जो लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का जो है वो लकब भी दिया, इनको अपना लीडर माना, अमीरुल मोमिनीन कहा, और इन्होंने बाजाबता तौर पे जो शरिया लॉज इन्होंने सोचे हुए थे शरिया स्टेट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, 1830 में, मतलब जब इन्होंने, ये जो बात है ये मैं 1830 के बाद कर रहा हूँ, जब इन्होंने पिशावर पर जो है वो कंट्रोल जमा लिया, पिशावर भी कैप्चर कर लिया, ठीक है, और पिशावर में इन्होंने जो था वो बुध सिंह को शिकस्त दी थी। तो ये ना यहाँ पर जी वो स्टेट कायम हो गई, अब यानी कि जो इनका एम था ना वो एम इन्होंने हासिल कर लिया। अब एम हासिल करने के बाद फिर क्या हुआ कि इनको शिकस्त हो गई, और शिकस्त ऐसी हुई कि जब दोबारा उन्होंने इनके खिलाफ जो है वो काम करना शुरू किया, ऑब्वियसली अब सिख जो थे वो चुप तो नहीं बैठ सकते थे ना, सिख जो थे वो चुप तो नहीं बैठ, उन्होंने भी तो मतलब इनके खिलाफ जो है वो इंट्रीग करनी थी, इनके खिलाफ आना था। तो ऐसा हुआ कि ये जो बंदा जो निकला था राय बरेली से मजहब की एक फैंटसी को लेके, और कि मैंने मुस्लिम रूल कायम करना है, वो बंदा आके बालाकोट में आके ना वो शिकस्त खा गया, और बालाकोट की जंग में ही गॉट मार्टायर्ड। जस्ट के दैट वॉज द एंड ऑफ हिज लाइफ, और इसके साथियों की लाइफ का एंड हुआ। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ बालाकोट। अब ये आप लोग लिख लेंगे बैटल ऑफ बालाकोट, और बैटल ऑफ बालाकोट के साथ ही जो है वो जो हमारी ये जो सारी की सारी आप कह लें कि अब कह लें कि ये जो मूवमेंट है इसकी इसका अख्तिताम हो गया, क्योंकि इस मूवमेंट को फिर रीऑर्गेनाइज करना, दोबारा से उस लेवल पे लेके जाना तो पॉसिबल नहीं था ना। तो अब ये जो बालाकोट में आके इनकी शिकस्त हुई है, यहाँ पे हमें सोचने का सवाल मिलता है कि वाई, मतलब वो बंदा जो इतना कामयाब जा रहा था वो, मतलब उसको क्या हुआ, वो उसकी जो फेल्यूर कैसे होगी, ये जो स्टेट इसने एस्टेब्लिश कर ली थी वो फिर बालाकोट में आके, बालाकोट की जंग में उसके और उसके साथ साथियों की शहादत क्यों हुई, वाई दे फेल्ड। 1831 में हुई थी ये बालाकोट की जंग। तो उसमें ना सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसकी इमीडिएट कॉज क्या थी। इमीडिएट कॉज यही थी कि जो लोकल चीफ्स थे ना, जो लोकल यहाँ के सरदार थे, खान्स थे, वो डिसलॉयल हो गए, और उन्होंने अपनी जो डिसलॉयलिटी दिखाई, और जिसकी बिना पर जो था ही वॉज ट्रेस्ड, ही वॉज कैप्चर्ड, ही वॉज इनसर्कल्ड इन गल्फ, और उनको और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया। अब इसमें बहुत सारी वजूहात हैं कि जी वो क्यों फेलुअर हुआ, उसमें आप एक नंबर वन तो ये है कि इनका लोकल जो ट्रेडिशंस थी, लाइक के जो यहाँ के रस्म और रवाज थे उनके ऊपर इस्लामिक शरिया लॉज में बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं थी लेकिन ट्रेडिशंस में मौजूद थी, तो इन्होंने उनके ऊपर आके जरा गिरफ्त की जिससे लोकल लोग नाराज हुए। फिर लोकल खान्स तो थे, जो लोकल चीफ्स थे जिन पर सदियों से वहां पे इन्फ्लुएंस था, जब आप खिलाफत का इंतजाम निज़ाम मुतारफ करवाएंगे, जब आप शरिया लॉ मुतारफ करवाएंगे तो इक्विलिटी आती है, और इक्विलिटी की बिना पर तो फिर कोई खान कोई कोई सरदार नहीं है। दैट ऑल्सो मतलब एक तरह से सही नहीं था, ठीक है, मतलब पीपल डिडंट लाइक दैट, सरदारों ने लाइक नहीं किया। फिर सिख अपनी इंट्रीक्स में, उनको भी क्राफ्ट आता था, स्टेट क्राफ्ट आता था जिसपे वो अपनी साजिशें करते रहे, और देखो उन्होंने बाजाबता प्रोपरगेंडा किया इनके खिलाफ के दे हैव देयर ए ऑन इंटरेस्ट, और जिसको इन्होंने बहुत तरीके से एक वेज की प्रोपरगेंडा की वॉर इनके अगेंस्ट, दिस ऑल जो था ना जी वो आप कह लें कि ये इनकी शिकस्त का बायस बना। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पैक्ट्स क्या है? सबसे पहले तो ना जी जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है वो ये है कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट
प्रैक्टिकल स्ट्रगल। फॉर रिफॉर्मेशन, ठीक है। ये आप कह लें कि प्रैक्टिकल से मेरी मुराद आर्म्ड है, कि इसमें सबसे पहले ये बात आई कि जी अगर आपने सोसाइटी को रिफॉर्म करना है उसके लिए आपके पास पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, और पावर लेनी है तो आपको आर्म स्ट्रगल लेनी। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम के जो इस्लाम का जहाद का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट हुआ और बाबा उसके रिजल्ट आए। दूसरी सिग्निफिकेंट बात यह है कि ये देवर वेरी मच क्लियर अबाउट देयर पर्पज, अबाउट देयर एम, वेरी मच क्लियर कि हमने इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश करनी। और यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी भी नजर आती है कि दे रियली प्लान वेल, कि पहले हमने सिखों के खिलाफ महाज खोलना है, और सिखों के खिलाफ क्यों महाज खोलना है उसकी रीजन इनके पास थी कि NWFP वगैरह जो है ये प्री डोमिनेंट मुस्लिम स्टेट्स एरियाज हैं, और इसके बाद फिर ब्रिटिश के ताकतवर हैं, लिहाजा उनसे लड़ना अभी ठीक नहीं है, पहले हम इनसे लड़ेंगे देन उनकी तरफ आएंगे। अच्छा, अब फिर इनकी जो सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज में अगर आप जो देखें तो आपको एक एलिमेंट नजर आता है कि इन जो आप कह लें कि जो मिशन था शाह वली उल्ला का, शेख अहमद सरहिंदी का, उस मिशन को इन्होंने कैरी ऑन किया है, और वो कैरी ऑन करने का इनका अंदाज थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। वो भी चाहते थे सोशल रिफॉर्म हो, तो ये भी चाहते हैं कि सोशल रिफॉर्म्स हो, लेकिन ये चाहते हैं कि सोशल रिफॉर्म बीइंग अ स्टेट हो, अमीरुल मोमिनीन वहां पर बैठा हो, हमारा हमारा अपना सिस्टम हो, हमारे अपने लॉज हो, इंडिविजुअल की तब्दीली तभी मुमकिन है जब वहां पर स्टेट उसको फैसिलिटेट करे कि इंडिविजुअल के क्रीड्स, इंडिविजुअल के एक्ट्स इस्लाम के मुताबिक ढालने में स्टेट अपना किरदार अदा करे। जबकि दैट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम शाह वली उल्ला। शाह वली उल्ला क्या कह रहे थे कि स्टेज रेवोल्यूशन आएगी, फिर जाके जो है वो बात बनेगी। अब टू नेशन थीरी में ऑब्वियसली कि ये एक मुस्लिम स्टेट, अगर आप कहें पाकिस्तान मूवमेंट से इसका लिंक क्रिएट करें तो मुस्लिम स्टेट का कॉन्सेप्ट हमें पूरे का पूरा मिलता है, कि हमें मुस्लिम स्टेट क्यों चाहिए, उसकी एक रीजन मिलती है हमें इन सारी इस सारे जो इनके कुछ स्ट्रगल है। अब मुझे अब यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी क्लियर कि इसके बाद 1857 में जंगी आजादी होती है, दैट इज ऑल्सो आर्म स्ट्रगल। आप इसका इन्फ्लुएंस भी आप बता सकते हैं कि जी इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड। फिर इन्हीं से इंस्पायर एक तितू मीर नामी शख्स है जिसने बंगाल में लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ एक बकायदा आर्म स्ट्रगल की, उसके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है। तो दैट इज ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स जो कि इनके हवाले से इम्पोर्टेंट है। मजीद जो है वो आप के ऊपर जो भी सवालात इसके ऊपर बने हुए हैं, आप उन सवालात को अगर आप बैठेंगे, इसकी बेसिक डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो जो सुन के उनको, उस सवालात को पढ़ के जब आप इसकी आउटलाइन बनाएंगे तो यू विल सी के जी आपके पास बहुत सारी चीजें सामने हैं जो आपने की हुई हैं, और आप इससे बेहतरीन का अपना एक आंसर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और लास्टली जो है ना, वो बात यही है कि आप जो भी रिफॉर्मर्स हैं, अब उन्हीं रिफॉर्म, और ये तीन रिफॉर्मर्स ही जो हैं वो बेसिकली मशहूर हैं, बाकी जो फ्रेजी मूवमेंट है उसमें जस्ट एक रिलीजियस मूवमेंट है कि रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उनको रिफॉर्म कैसे किया जाए, सही तरीका नमाज क्या है, फ़र्ज़ कैसे अदा करने हैं, उन सब के ऊपर, फ़राइज़ की अदायगी के ऊपर उसका जोर है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये तीन इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको जो रिफॉर्मर है उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, शेख अहमद सरहिंदी है तो उसके बैकग्राउंड में हमें अकबर नजर आता है, हमारे पास शाह वली उल्ला है तो उनके बैकग्राउंड में हमें मुसलमानों का डिक्लाइन जो है औरंगजेब के बाद जो डिक्लाइन हो रहा है, और जो मरहट्टा फोर्सेस हैं और सिख एम्पायर हैं वो जैसे जैसे इनके ऊपर हमले कर रही हैं, और मुसलमानों का जो डिक्लाइन हो रहा है मुगल एम्पायर का वो नजर आता है, और सैयद अहमद बरेली हैं तो हमें उनके बारे में नजर आता है कि वाय उस वक्त किस कदर मुसलमानों की हुकूमत जो है वो ना होने के बराबर थी, और कैसे
अब ये सब ने कोशिश क्या की है कि जो मुस्लिम करेक्टर है उसको कायम रखा जाए। अब ये मुस्लिम करेक्टर जो शेख अहमद सरहिंदी हैं उनके दौर में और तरह से जरूरत थी मुस्लिम करेक्टर को कायम रखने की, जो सैयद अहमद शहीद हैं इनके दौर में और नीड थी। तो इन सब ने मुस्लिम करेक्टर को रिवाइव करने के लिए, उसको कायम रखने के लिए, इस्लाम को बेसिकली टू नेशन थियरी को कायम रखने के लिए अपनी एफर्ट्स दी हैं। तो इन एफर्ट्स को ही हमने रिकॉग्नाइज करना है, उनके ऊपर कुछ अच्छे से कोड तैयार कर लें, कोई एक दो आर्टिकल्स पढ़ लें। और ये आपका सवाल जो है वो आपको CSS PMS में कुछ पास पेपर्स में नजर आएगा तीनों पर कोई ना कोई, तो उसकी आपने एक दो प्रैक्टिस करके आउटलाइन बना लेनी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट हम चलेंगे इंशाल्लाह पोस्ट पार्टीशन प्री पार्टीशन हिस्ट्री पर, और हम प्री पार्टीशन हिस्ट्री में हम शुरू करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें हमारे पास शिमला डेपोटेशन है। बंगाल पार्टीशन है, बंगाल पार्टीशन के बाद हमारे पास लखनऊ पैक्ट है। लखनऊ पैक्ट के साथ हमारे पास है जी खिलाफत, खिलाफत मूवमेंट। फिर हमारे पास 14 पॉइंट्स वर्सेस नेहरू रिपोर्ट, और उसके एक तरफ हमारे पास चलेंगी इनकी रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स में 1909 की मेंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, 1919 की मोंटैग चिलम्स होल्ड, और 1935 का एक्ट। इसके बाद 3 जून प्लान और पार्टीशन प्लान जिसको कहते हैं ऑब्वियसली, एंड देन रेड क्लब अवार्ड। और इस साइड पे हमारे पास जो है वो अलाहाबाद का एड्रेस, और देन जो है वो हमारे जिना साहब का जो 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन है। तो दीज वुड बी द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और वी विल ट्राई टू कवर इट इन 3 या 4 लेक्चर्स। तो अपनी जो भी राय हो, अपना जो भी आपकी इसमें इनपुट हो, तो आप जरूर देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।